बहुत पहले बजा था भैया जी। कितने पहले? अब सर नहीं पता है, लेकिन फिल्म का नाम है लैला और मजनू। क्या बात है, अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, हम जानते हैं। फिल्मी धुन कहती है क्या भी, आप लोग अगर आगे आ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, और क्या? आप डरिए नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम खुद आपके गांव में आए हैं। डरना हमको चाहिए, इसलिए हम स्वच्छंद हैं। क्या बात है, चलो 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 चलो, रेडी किशन भैया। हाँ, चर्चित धुन रही थी ये। भैया जी आपने बताया था आप भी गीत संगीत में थोड़ी रुचि लेते हैं और गाते भी हैं आप, तर्ज सुनिएगा आपको अच्छी लगेगी। बंबई वाले ने गाया, अरे मेरे दीवाने को, हाय रे हाय रे, ये बात बेटा और नहीं और नहीं, ये बात आइए, ये तो तर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं। किनारे करते बेटा, मर्ज सुनिएगा। जिस समय द्रौपदी के यहाँ ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पहुँचते हैं, आदेश दिया कि सभी ऋषिगण स्नान करके आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। क्या बात है, द्रौपदी जी परेशान हो गई क्योंकि उनके पास एक पात्र था जिसका नाम था अक्षय पात्र। बिल्कुल, उसकी खास बात थी, जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं करती थी तब तक तो उससे हर चीज की प्राप्ति होती थी, लेकिन जब भोजन करके उसको धो देती थी फिर उससे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती थी। परेशान आगमन हुआ है, वो भी ऋषिवर दुर्वासा का। परेशान हो गई, याद किया भगवान कन्हैया लाल को, और जब याद किया तो मुझे कहना पड़ा। क्या? कन्हैया लाल आए तो हुआ क्या? अरे द्रौपदी की विनय है, क्या बात है, क्या बात है, क्या
दर्शन आए आ गए आ गए। बहन सकारी बहना जरा वो पात्र तो देना। और जैसे ही पात्र लिया देखा देखा क्या सुनेगा, अरे पात्र भोजन का मिला, पात्र भोजन का मिला खाली तो अकुला। और ये सब ऐसे नहीं हुआ, ये लीला श्री कृष्ण की। किशन भैया हाँ नाम बहुत आ रहा है आज। ये लीला श्री कृष्ण की भैया जी। अरे लाज रखने को बहन थी और उसी पतीली से लेकर के अरे खा गए सौग के दिन की। आवास आवास भगवान कहने लगे आप कह रही थी ये पात्र धुल चुका है, अगर धुल चुका है तो इसमें ये साग की तिनकी कहां से आ गई। भैया जी ये गीत गाने का कारण है, मैं कारण सार्थक कर रही हूँ। आखिर रिंकी तिवारी ही क्यों इस मंच पर आई है, किशन राजपूत जी ही क्यों आए हैं, बहुत से कलाकार हैं कोई भी आ सकता था बिल्कुल, लेकिन मेरी लाइन सार्थक हो रही है इस गीत में। कैसे बना कैसे कहावत कहते आए रे रे भैया जी। अरे कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में, भैया कहावत कहते रहे लोग हर जमाने में, लिखा खाने वालों का नाम मिलने। उनके बचपन के सखा सुदामा जा रहे हैं, उनकी पत्नी सुशीला ने कुछ तंदुल एक पोटली में बांधे और दे दिया कि जाइएगा देवर जी को भेंट स्वरूप दे दीजिएगा। अब कई घरों से लाकर बांधे क्योंकि वो उनकी पत्नी जानती थी कि उनके स्वामी मांगेंगे नहीं। क्या बात है बे, क्या बात है, मांगेंगे नहीं। जब पोटली खोलेंगे कई प्रकार की, जब देखेंगे उसमें दाने तो समझ जाएंगे कि सुदामा की दीन दशा क्या है। बिल्कुल, जिस समय वो पोटली कन्हैया लाल जी के हाथ में आई और जब आई तो हुआ क्या, सुदामा के तंदुल, सुदामा के तंदुल घनश्याम ने जो ही पाए हैं। क्या बात है, शाबाश मुन्ना शाबाश, अभी पाए हैं लेकिन खा के दो मुट्ठी। इसी पुराण में एक मुट्ठी, इसी पुराण में दो मुट्ठी, खा के दो मुट्ठी अरे दो लोग तो जाए। अब यहाँ पर भी अजब लीला ये दिखा दो भगवान का दिया डालने, मित्रताई भी निभा दी और सुदामा जी की क्षण में, सुदामा जी की क्षण में अरे दीनताई भी मिटा दी। इधर द्वारिकापुरी है तो उधर सुंदर सी सुदामापुरी तैयार हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं है इस राज में राज क्या है, तो कहना पड़ा। सुदामा से बोले हाय रे रे, भगवान दोस्ता
खाने में। सोचिए क्या जरूरत थी वो तंदूर खाने की। पूर्ण ब्रह्म में भगवान श्री कन्हैया लाल, लेकिन वो तंदूर खा रहे हैं। कारण है, कारण मिला। सुदामा से बोले भगवान दोस्ताने में, और लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि कलाकार यही प्रयास करता है, एक लाइन हम बोले तो एक लाइन नीचे से बोले जाए। बिल्कुल। तीसरी बात सुनेगा भगवान कन्हैया लाल, दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर हाँ भैया अपने काका विदुर के यहाँ आए। काकी से कहा, काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ केले रखे हैं, देखिए होता क्या है। भैया विदुरी विदुरानी के घर अवस्था में है और किस व्यवस्था में है। बिल्कुल भैया, किस अवस्था में है, किस व्यवस्था में है। स्नान करने जा रही है, कन्हैया लाल का आगमन हुआ सब भूल गई, और जब आई कन्हैया लाल ने कहा भूख लगी है, कुछ केले रखे हैं, छीला, छील कर अंदर जो फल होता है उसको फेंक दिया और छिलका खिला दिया। अब समझिए भगवान भी ऐसे मग्न हो गए भक्ति में, केले के छिलके से अपना पेट भर रहे। जय हो, कैसे अरे प्रेम में वो सिक्केलों के, प्रेम में वो सिक्केलों के छिलके से भोगे लगाए। और ये क्यों हुआ, क्यों? शक्ति से भक्ति भारी। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि विदुरानी भक्ति में है। बिल्कुल। शक्ति से भक्ति भारी, प्रेम की गति है न्यारी। केले के छिलके खाके, केले के छिलके खाके, अरे लगे कहने गिरधारी। घर घराने में एक तब नहीं, आज भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं सत्य है बात घर घराने में, लिखा खाने वाले का नाम दाने दाने।